अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? क्रिएटिव फन चैनल में आप बहुत ही दिलचस्प वीडियो देख सकती हैं और सीख सकती हैं, और एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कैसे कलर्स में कन्वर्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसमें एक बाबा जी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ये इनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट दौर की, जिसमें इन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट कैमरे से तस्वीर खिंचवा ली है। तो आज हम इसको कलराइज करेंगे। बहुत आसान है, मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास ये एक तस्वीर है बाबा जी की, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करते हुए हमने ये करना है कि हमारे पास एक और तस्वीर है, हमारे पास एक और तस्वीर है, वो भी एक बुज़ुर्ग की। तो तकरीबन हम एज है, तो हम इनसे थोड़े बहुत कलर ले लेते हैं। हम इस बुज़ुर्ग के थोड़े बहुत कलर लेकर हम यहाँ जाएंगे, सर्कल लेंगे, सर्कल से हमें जितना पार्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे इतना, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि इसमें हमारे जो कलर आएंगे वो ज़बरदस्त किस्म के होंगे। तो यहाँ से हम इतना पार्ट जो है ना इसमें से उठा लेंगे, तो हमें इतना सा पार्ट उठाकर लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर लाकर हम यहाँ पर अपनी इस लेयर पर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनके इस कलराइज तस्वीर के ऊपर से जो भी हमारे पास के जो कलर होंगे, ये पीछे हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास तस्वीर है ये एक ब्लैक एंड वाइट है, जो हमारे पास ये तस्वीर है इनके और इन बाबा जी के दोनों के चेहरे के जो कलर हैं वो, और इनकी एज भी तकरीबन हम एज है, इन दोनों की एज भी तकरीबन एक जैसी है। तो हम इनके कलर जो है ना पिक करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलो इनको सेलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से न्यू लेयर लेकर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पिक कलर को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम पिक कलर को आई ड्रॉपर से हम कलर पिक करेंगे। आई ड्रॉपर से सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 5x5 एवरेज का होनी चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ ऑल लेयर्स, ठीक है, और शो सैंपल्स रिंग, ये सेलेक्ट होना चाहिए। 5x5 एवरेज का मतलब है कि ये जहाँ से हम कलर पिक करेंगे तो ये हमें उस वहाँ से इर्द गिर्द के जितने भी कलर हैं वो सारे सबका एक कलर बना के हमें देगा, इसलिए हम 5x5 को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, जहाँ से हमने कल कुछ कलर पिक करने हैं, ठीक है। अब पिक कलर आई ड्रॉपर पिक कलर को हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ से हम कुछ कलर लेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ थोड़ा सा डार्क किस्म का कलर लेंगे, तो इस तरह का ये डार्क कलर लेंगे, और यहाँ से ब्रश लेकर इसको यूँ इस तरह यहाँ से एक चीज़ देख लें कि हमें कलर जो है ना ब्रश जो सॉलिड चाहिए हो, ठीक है। वो ब्लर ब्रश था, वो हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए अभी हमें सॉलिड ब्रश चाहिए, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दोबारा हमने फिर डार्क एरिया को सेलेक्ट किया, अब हम थोड़ा सा ब्राइट एरिया को सेलेक्ट करते हुए वहाँ से कलर पिक करेंगे। मुझे ये पार्ट जो है कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से कलर पिक करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा हो कि ये हमारे पास एक ब्राइट एरिया का कलर आ चुका है, ठीक है। और दूसरा कलर हमने सेलेक्ट करना है, जो नीचे वाला डार्क कलर है, जो नीचे वाला डार्क कलर है उसके से थोड़ा सा हल्का, यानी हम आई ड्रॉपर से कलर को सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ से, अब डार्क और लाइट के दरमियान वाले पार्ट में से हम कलर को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम ब्रश लिया,
और अब हमारे पास एक और कलर सेलेक्ट होगा जो इन तीनों से डिफरेंट होगा, हमारा एक कलर पैलेट बन जाएगा। ये ठीक है। अब ये हमारे पास चार किस्म के हमारे पास मौजूद है। अब इसी को हम इस्तेमाल करते हुए ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कलर इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये हमारे काम के नहीं है लेयर, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास जो एक कलर पैलेट की शक्ल में हमारे पास कलर मौजूद है, तो मैं इसको ज़रा इस कर लेता हूँ। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया और नीचे वाले को हम यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल जे करेंगे, तो हमारे पास एक कलर पैलेट शो हो गया। हम नीचे वाले को डिलीट कर देंगे तो ये इस तरह हमारे पास शो होगा। तो हम इसे उठा के यहाँ ले आते हैं। तो अब हम करने क्या है कि यहाँ पर इसको पूरे यहाँ रख देंगे पूरे कलर पैलेट को, और ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को हम सेलेक्ट रखते हुए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हमारे पास दो लेयर हैं। एक लेयर में जो ओल्ड मैन है जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, और दूसरी लेयर में हमारे पास कलर पैलेट है। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को हमने इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को हमने सेलेक्ट रखते हुए यहाँ से कलर जो है, सबसे पहले हम जाएंगे इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को सेलेक्ट रखते हुए यहाँ से हम जाएंगे ग्रेडियंट मैप में। ग्रेडियंट मैप को सेलेक्ट रखते हुए अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये कलर पिक नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ अगर हम किसी भी कलर को पिक करते हैं तो वो पिक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ये देखें तो वो क्या करता है, सबको वाइट कर देगा, जस्ट रुके नहीं, उसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा, उस वो कलर पिक ही नहीं करेगा। मसला कहाँ है, मसला यहाँ, मसला यहाँ कि आपने बजाय इस वाइट पार्ट को सेलेक्ट नहीं रख करना, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। आपने ये लेयर देखी है ग्रेडियंट, यहाँ पर जो नज़र आ रही है आपको, या आपने इस वाइट वाले पार्ट को, वाइट वाला पार्ट जो है ना इस वक्त सेलेक्ट है, हमने ये सेलेक्ट नहीं करना। हमने साथ वाला जो इसकी ग्रेडियंट है छोटा सा आइकॉन बना है, इसको सेलेक्ट करना है, ये साथ वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको फिर जूम करके दिखा दूँ, हमने इसको सेलेक्ट करना है, वाइट वाले पार्ट को हमने सेलेक्ट नहीं करना, हमने साथ वाले की जो जिस पे ग्रेडिएंट अप्लाई किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब मैं आपको जूम आउट करके इसको भी दिखा दूँ, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रहते हुए पहली स्लाइड को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर सिंगल क्लिक के साथ जो नीचे वाला पार्ट है डार्क, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब हम दूसरा कलर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्लिक करते हुए, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंगल सिलेक्ट क्लिक के साथ, फिर दोबारा जो डार्क के साथ वाला कलर है उसको सिलेक्ट किया, ओके कर देंगे। अब हम इधर आ जाएंगे जो हमारे पास वाइट एरिया है, इस इधर सेलेक्ट करेंगे, न्यू स्लाइड मिल गई हमें, और इसको सिंगल क्लिक के साथ ड्रैग, इसको सिंगल क्लिक के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हुए ओके कर देंगे, और यहाँ एक और स्लाइड लेंगे, इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्लिक करके ये वाला। अब ये हमारे पास जो कलर हमारे पास मौजूद हो गए इस तरह के हैं। कुछ मिक्सिंग करेंगे इनके कलर की, कि अच्छी तरह से इनके फेस के ऊपर जो कलर हैं वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन स्लाइड को आगे करेंगे, थोड़ा सा और आगे करेंगे, तो यहाँ, तो यहाँ तक ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पर भी इसको क्लोज करके अब ऊपर वाली ग्रेडियंट को सिलेक्ट रखते हुए, स्लाइड को ऊपर वाली ग्रेडियंट स्लाइड को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर हम इसके ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे, इसको करेंगे कलर, इस इनके वाइट वाले हिस्से को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे, इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम ब्लैक वाले पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, हमने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, अब इसको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट करना है,
ठीक है, इसको सिलेक्ट रखते हुए हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट रखते हुए हम ब्रश को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ब्रश ठीक हो गया, और यहाँ से ब्लैक को लेयर को सिलेक्ट रखते हुए और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, और ये वाइट वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर रखेंगे, ऊपर इस तरह हमारे पास यहाँ पर ब्लैक है तो हम वाइट ऊपर रखेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि हो क्या रहा है। ब्रश को सिलेक्ट रखते हुए आपने इसको मास्क को सिलेक्ट करें और यहाँ पर हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमें जो ब्रश चाहिए वो एक सॉफ्ट ब्रश की ज़रूरत है, हम सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो बड़े आराम से जस्ट पेंटिंग भी शुरू कर देंगे, जैसे हम पेंट शुरू करते हैं वैसे वैसे पेंटिंग शुरू कर देंगे, तो बड़े आराम से आप इनके फेस के ऊपर जो इनकी जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि इनके इनका कलर इनकी स्किन के बराबर होना चाहिए तो उनका वहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करें, बड़े आराम से आप देखेंगे कि अच्छा जहाँ जहाँ आपको सब लगता है कि इसके ब्रश का साइज़ छोटा होना चाहिए आप उसके ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं, तो मैं जो इसकी जो कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है उसके हम लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हम छोटा करेंगे और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बड़ा कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस ब्रश को छोटा और बड़ा भी करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो इनकी बाबा जी की ये जो मूछें बनी हुई हैं इस पार्ट वाले को, यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ ब्रश का थोड़ा यहाँ पर इस ब्रश का फ्लो कम करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें थोड़ी सा ओरिजिनल नज़र आना शुरू हो जाए। इनके जो ये दाढ़ी के जो बाल हैं इनके ऊपर हमें थोड़ा सा हल्का सा हाथ रखना है ताकि यहाँ पर अब काफ़ी हद तक इनके चेहरे के ऊपर जो कलर है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, कलर क्या किया है तो अब हम इनकी यहाँ से ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए ग्रेडिएंट वाली लेयर को मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट रखते हुए आपने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे, यहाँ पर इनके कलर की थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कुछ शेडो अप्लाई करना है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डार्क एरिया में जो इनके फोरहेड के ऊपर बना हुआ है वो हमें थोड़ा सा डार्क एरिया इसमें और मज़ीद शामिल हो जाए। अब यहाँ तक तो हमारा काम ओके हो गया, अब हम आगे इनके के चेहरे के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर और भी कहीं कहीं जगह पे कुछ काम होने वाला है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर इस लेयर को ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए बता दूँ, ये जो ऊपर वाले ग्रेडिएंट इसको सिलेक्ट रखते हुए आपने नीचे से जान आपने उस सैचुरेशन पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करना है। अब हमें इनके जो हेड का कलर है वो चेंज करना है, हेड मतलब ये ओके करेंगे और यहाँ पर इस वाइट पार्ट को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल आई करेंगे और यहाँ फिर वही काम करेंगे, ब्रश वाला ब्रश को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। इसके सिलेक्ट कलर को
जी, और अब हमने इनकी जो इनकी बॉडी के ऊपर जो कोट बना हुआ है उस पर भी हम कुछ कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट रखते हुए, ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पर हम जाएंगे फिर ह्यू सेचुरेशन पे और इस पर भी कलर अप्लाई करेंगे। तो इनके जो कोट का कलर है वो कुछ इस तरह का करेंगे, वो भी हम ब्लू कलर किस्म का कर देंगे। ऊपर वाली वाइट लेयर को, वाइट ऊपर वाली जो लेयर है वाइट पार्ट को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल आई करेंगे, फिर ब्लैक हो गया, फिर यहाँ पर सिलेक्ट रखते हुए इसको हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और ब्रश को थोड़ा सा हम यहाँ से घुमाना शुरू कर देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे और ब्रश को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर हम तो यहाँ पर इनके कोट को भी ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करूं मैं जूम करके थोड़ा सा इनके यहाँ जो थोड़ा सा मसला आ चुका है, ब्रश को सिलेक्ट रखते हुए ब्रश का थोड़ा सा साइज छोटा कर लें। पर इसको जी, यहाँ तक तो हमारी तस्वीर जो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर इनके कलर की भी काफ़ी अच्छे खासे इनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसको भी कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, तो ये रहा जी, ये रहे बाबा जी जो परेशान से अपनी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लेकर, अब हमने उसकी तस्वीर को कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक और ऊपर से लेयर लेकर यहाँ पर सेचुरेशन करेंगे ताकि बाबा जी के जो होंठ हैं उनको भी थोड़ा सा कलर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर कलर पे क्लिक किया, ओके कर देंगे, यहाँ भी कंट्रोल आई करेंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट रखते हुए हम इधर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा सा जूम करके ना जूम करेंगे और यहाँ पर वाइट पार्ट को ऊपर करेंगे, यहाँ पर इनके जो होंठ हैं यहाँ पर हम थोड़े सी लाल की पैदा कर देंगे। अब यहाँ से हम इनकी एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं, यहाँ पर देखें ये इस तरह, बहुत हल्का हाथ रखें, कुछ ज़्यादा नहीं, इस तरह कोई रिजल्ट परफेक्ट रिजल्ट सामने नहीं आता, ये बस आप हम बाबा जी की थोड़ी सी आँखों का कलर भी हम देखेंगे कि सिलेक्ट हो सकता है। इन बाबा जी की थोड़ी सी आँखें हम थोड़ी सी ब्लू कलर में करना चाहते हैं। हम यहाँ पे हु सेचुरेशन को सिलेक्ट रखते हुए, हु सेचुरेशन को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इनकी आँखें थोड़ी सी ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे।
फिर वही वाइट पार्ट को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल आई, और यहाँ से हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वाइट वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ से जो देख रहे हैं वाइट पार्ट वाला ऊपर है और ब्लैक नीचे है, तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ वाइट वाला पार्ट ऊपर करेंगे और ब्लैक नीचे, क्योंकि इधर हमारे पास जो मास्क है वो ब्लैक है, तो हमने यहाँ पर वाइट को सिलेक्ट रखना है। तो अब हमने ब्रश को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह की आँखों के ऊपर इस तरह थोड़ा सा करेंगे, आँखों के लेंस करेंगे, और यहाँ पर इनके कलर को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी यहाँ तक ठीक है, हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं जी। ये रही हमारी आज की वीडियो कि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को रंगीन कैसे किया जाता है और इनमें कलर कैसे फिल किए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ये बताया कि चेहरे के ऊपर से के जो पिंपल्स और ब्लैक डॉट उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसका मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और यहाँ कहीं ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आप इसको क्लिक करें और उसको भी देखें कि चेहरे के ऊपर से पिंपल्स, स्पॉट और जो ब्लैक डॉट हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है और उनको कैसे शाइन किया जाता है। आपने उसको क्लिक करना है, उस वीडियो को भी देखें, उसको भी देखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।